सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन, महमूदाबाद, सीतापुर। यूपी बोर्ड परीक्षा फल में सीता ग्रुप के परीक्षार्थियों का रहा शानदार परीक्षा फल। हाई स्कूल में होनहार छात्रा प्रियांशी सोनी ने किया यूपी टॉप। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। झोला छाप डॉक्टरों पर कोई लगाम नहीं लग पा रही है। महिला की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की नींद टूटी, लेकिन इससे पहले ही झोला छाप डॉक्टर मौके से फरार हो गया। इन हालातों में झोला छाप डॉक्टरों पर कोई रोक लग पाएगी या नहीं, इसे लेकर सवाल उठने लगे। बता दें चले कि कस्बा टरिया की पुरानी बाजार मोहल्ला निवासी देशराज की 22 वर्षीय पत्नी अनुसुईया की तबीयत बिगड़ने पर उसे अटरिया कस्बे के ही संतोष क्लिनिक पर इलाज के लिए ले जाया गया। यहां घटना 30 अप्रैल की रात की है। आरोप है कि यहां गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से इसकी तबीयत और बिगड़ गई, जिसके इलाज कराने के लिए अनुसुईया को लखनऊ ले जाना पड़ा। यहां अलग अलग जो अस्पतालों में इलाज हुआ उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और 7 मई को अनुसुईया की मौत हो गई। मामले को लेकर अनुसुईया के पति देशराज की तरफ से अटरिया थाने में झोला छाप डॉक्टर के खिलाफ शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई। उधर जब इसकी भनक स्वास्थ्य महकमे को हुई तो डॉक्टर राहुल सिंह के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंचने से पहले ही झोला छाप डॉक्टर संतोष फरार हो गया। गलत इलाज से हुई पत्नी अनुसुईया की मौत का आरोप डॉक्टर संतोष पर लगाते हुए पीड़ित देशराज का क्या कहना है, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। के माँ हॉस्पिटल वाले समरी बना के दिए थे, उसको देख करके इन्होंने बताया भैया वो जो है आपका पेशेंट बिल्कुल ही सीरियस है, लेकिन दवाई की वजह से इंजेक्शन जो दिया गया है वो पूरे शरीर में पूर्ण रूप से वो इंजेक्शन संतोष डॉक्टर दरिया के यहाँ दिया गया था। फिर उसके बाद में वो जो है विवेकानंद में एडमिट किए, 24 घंटे वेंटिलेटर पे रही, बराबर इलाज हुआ, 87,000 रुपए का एस्टिमेट हमारा विवेकानंद का आया। उसके बाद विवेकानंद वालों ने वो जो है बताया भैया ये जो है मामला का हिस्सा है, ये जो है इन्फेक्शन दिमाग में पहुंच चुका है, इसको बचना नामुमकिन है। और वो लोग बोले कि अगर ले जाना चाहो तो आप ले जा सकते, पैसा ना बर्बाद करो। ठीक है, तो हम वहाँ से उसको निकाले, एक हमारे जानने वाले आईएम रोड पे द सिटी लाइफ हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर जानने वाले थे, तो उन्होंने बताया भैया अगर तुम्हारे ऊपर दिक्कत है, जवाब भी दे दिए हैं, तब भी मान लीजिए लेके आइए, हम जो है कोशिश करके देखते हैं, अगर बच जाती है तो आपका भाग्य जाने का। ठीक, तो वहाँ से विवेकानंद से वेंटिलेटर एम्बुलेंस मंगा करके वहाँ के वो जो है वेंटिलेटर निकलवा करके एम्बुलेंस में भी वेंटिलेटर सुविधा दे करके सिटी लाइफ हॉस्पिटल लेके आए। वहाँ पे भी 24 घंटे हमारी वाइफ का इलाज हुआ, उसके बाद संतुष्टि नहीं मिली और वाइफ हमारी 7 बजे रिएक्शन हुआ दवाई का। मुख्य इलाज संतोष डॉक्टर अटलिया नीलगांव रोड। जब दिक्कत हुई तो इन्होंने ये भी नहीं बताया कि भैया कहीं बाहर ले जाइए, ये कहे कि नॉर्मल सी चीज है, इसको सेक लीजिए पानी से, नमक पानी से धुलिए जा करके और ये सही हो जाएगा। इनके पहाड़े रहते रहते और इनकी दिक्कत की वजह से हमारी बीवी की जान चली गई। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल की बच्ची है, 1 14 दिन का मेरा बच्चा है। कार्रवाई चाहते हैं, जो हमारे साथ हुआ है ये दोबारा किसी इंसान के साथ ना हो। हमने तो उधार दिया ले करके अपनी बीवी के ऊपर लगा दिया, जिसके पास नहीं होगा तो वो अपने आगे के बच्चों की संपत्ति बिगाड़ करके ऐसे इनकी वजह से वो मरता रहेगा, आदमी मरते रहेंगे। मामले में सीएचसी सिधौली अधीक्षक डॉक्टर आर के वर्मा ने बताया कि संबंधित डॉक्टर फार्मासिस्ट है जो एक मेडिकल स्टोर चला रहा है। मौके से कोई ग्लूकोज या इंजेक्शन नहीं बरामद हुआ है, तथा कथित डॉक्टर भी मौके पर नहीं मिला। प्रकरण की जांच की जा रही है। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।